एक और पहलू है इसका कि इंटेलेक्चुअल एविडेंस यानी जो जहन जिस बात की इजाजत देता है या जो अकली दलील है उनका कितना बड़ा रोल है, क्या उनकी आजादी है या नहीं है। अकली दलील के ताल्लुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान की अकल की लिमिटेशन है। हो सकता है कोई बात इंसान आज समझे, हो सकता है 50 साल बाद समझेगा, हो सकता है जैसे कि हमने पोर्क के केस में देखा 1400 साल बाद हमें कुछ एविडेंसेस मिल रही है। आज से थोड़े दिन पहले तक हम लोग कहा करते थे कि पोर्क खाने से 70 बीमारियां होती, लेकिन जब रीसेंट रिपोर्ट्स आई, बल्कि अमेरिका के एक क्रिश्चियन डॉक्टर ने ही साबित किया कि 200 अलग अलग बीमारियां होती, तो हम 200 कह रहे हैं। तो अकल की लिमिटेशन है, अकल सब्जेक्टिव है, लेकिन एक इंसान अकल इस्तेमाल करता है सही नतीजे तक पहुंच जाए तो फिर उसे अपनी अकल की लिमिट को भी पहचानना चाहिए। जैसा आपने कहा कि ये रिसर्च बदलती रहती हैं, अकली दलील जब मानेंगे तो ये भी हो सकता है कि कल कोई रिसर्च ऐसी आ जाए जो इस चीज को कहे कि नहीं वो बीमारियां नहीं होती तब। तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें होती है थियोरी जो यू टर्न मारकर वापस जा सकती है, और कुछ चीजें होती है जो फैक्ट के दर्जे तक पहुंच जाती है जहां वो बात साबित हो जाती है कि अब इसके बाद कुछ नहीं जी, और वो साबित होना भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, एक साइन है जो एक इंसान गौर कर सकता है। लेकिन ये बात श्योर है कि इंसान की अकल के लिमिटेशंस हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो सही कंक्लूजन तक पहुंचे। सूरह मुल्क की आयत है सूरह 67 आयत नंबर 10, इसमें आता है कि जो लोग जहन्नम की आग में जलेंगे, सजा के मुस्तहिक होंगे, वो लोग वहां आग में कहेंगे लौ कुन्ना नस्मऊ और ना किलो मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, अगर हम सुन लेते और सोच लेते तो ये जलती हुई आग में नहीं होते हम लोग। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, तो वो लोग कह रहे हैं काश हम थोड़ा सुन लेते थे, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने सुन तो लिया लेकिन सोचने वाला नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, तो वो लोग कह रहे हैं कि काश हम थोड़ा सोचते इस बारे में तो हम ये जलती हुई आग में नहीं होते। तो ये हम देखते हैं कि इस्लाम ने इनकरेज किया कि तुम सुनो, गौर करो, सोचो सही क्या है गलत क्या है, वो तुम्हें क्लियर दिखेगा, जो सही दिखे उसे एक्सेप्ट कर लेना।